बनासकांठा के लोगों ने सोचा था कि अंबा माता के सिवाय भी कभी गुंठावाड़ा जैसा एक छोटा सा गांव विश्व के नक्शे पर चमक जाएगा। कभी नहीं सोचा होगा। और पड़ोस में पाटन जिले में चारण का लोगों ने, जिले में लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। आज जिस कार्यक्रम में आप हिस्सा लेने आए हैं, आपको पता नहीं होगा कि इस ऐतिहासिक घटना के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ गुंठावाड़ा, बनासकांठा जिला या गुजरात राज्य तक के सीमित गौरव का विषय नहीं। जिस घटना में आज आप शरीक हुए हैं, इतिहास के पन्नों पर भविष्य में लिखा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सूर्य ऊर्जा का प्रोजेक्ट बनासकांठा के गुंठावाड़ा गांव की जमीन पे उसने जन्म लिया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज हिंदुस्तान में, अपने गांव में भी किसी से बड़ा कुछ करना हो तो भी लोग पांच बार सोचते हैं। किसी एक जिले से दूसरे जिले में कुछ बड़ा करना है तो भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। आज गुजरात ने एक कमाल करके दिखाया है कि एशिया में सबसे बड़ा सूर्य ऊर्जा का एक प्लांट हम लगा रहे हैं। जो लोग पिछले एक हफ्ते से टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, उन सबको समझ आता होगा कि सौर्य ऊर्जा का क्या लाभ है। आपने खबरें पढ़ी होगी, सुनी होगी, दिल्ली में अंधेरा है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में अंधेरा है, बिजली हफ्ते भर से आई नहीं है, बिजली नहीं आने के कारण पानी के पंप नहीं चल रहे, गांवों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली न आने के कारण गेहूं पीसने की जो घंटी होती है, चक्की होती है, वो चक्की को बिजली नहीं है, गेहूं नहीं पीस रहा है, खिचड़ी या चावल खाकर के हफ्ते भर से लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। कारण क्या? कारण ये है कि बिजली पैदा करने के लिए जो कोयला चाहिए वो कोयला उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं और रोज नए कारखाने बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान पर अंधेरे की छाया की संभावना पैदा हुई है क्योंकि कोयला उपलब्ध नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर यही स्थिति भविष्य में रही तो मानव जात का क्या होगा। अगर यही संकट हमें नजर आता है तो हम कब तक इंतजार करते रहेंगे कि चलो भाई जितना कोयला आए वो तो पहले खत्म करो, बाद में कुछ सोचेंगे, तो दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए गुजरात ने पहल की है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात ने कदम उठाए हैं। सौर्य ऊर्जा के संबंध में भारत सरकार रोज नई नीतियां निकालती है,
रोज नए सर्कुलर निकालती रहती है, लेकिन अभी तक 5 मेगावाट बिजली भी भारत सरकार के माध्यम से इस देश की जनता को नहीं मिली है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जिसने एशिया में सबसे बड़ा ये काम करके दिखाया है, और हम वहां रुकने वाले नहीं हैं, हम वहां रुकने वाले नहीं हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य ऊर्जा का काम ये गुजरात की धरती पर करना चाहते हैं। मित्रों, हम हर संकट को अवसर में पलटने का संकल्प करके निकले हैं। एक जमाना था गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, वहां रहने वाले लोग तंग आ जाते थे। जो मछली के व्यापार में थे उनका तो गुजारा चल जाता था, लेकिन जो किसान थे वो फसल नहीं उगा पाते थे, जमीन थी पैदावार नहीं थी, और वो चाहते थे बच्चे कहीं शहर में चले जाएं, मजदूरी करें, रोजी रोटी कमाएं। गांव के गांव खाली हो जाते थे। 1600 किलोमीटर के समुद्र किनारे के गांवों का ये हाल था। क्या हम उनको मंगल दें? क्या उनको इस प्रकार की असहाय जिंदगी जीने के लिए मजबूर करें? क्या बूढ़े मां बाप को अपने नौजवान बेटों को गांव छोड़ करके सूरत में मुंबई में मजदूरी करने के लिए भेजने के लिए मंजूर करें? ये वास्ता हमें मंजूर नहीं था। और तब जाकर के हमने तय किया कि हम 1600 किलोमीटर समुद्र किनारे को हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बना देंगे, पोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे, पोर्ट के संबंधित क्षेत्रों का डेवलपमेंट करेंगे, औद्योगिक विकास करेंगे। और जो 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा कल हमें बोझ लगता था, संकट लगता था, वो आज आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गया। दोस्त, एक जमाना था अगर सरकारी किसी मुलाजिम को अगर कच्छ में ट्रांसफर कर दिया तो सारा राज्य मानता था कि ये कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए उसको पनिशमेंट पोस्टिंग जेल खाने में डाल दिया। कच्छ में जाना यानी सजा माना जाता था। आज कच्छ में नौकरी पाने के लिए सरकार पे लोग चिट्ठियां लिखवाते, चिट्ठियां के साथ कुछ से मुझे कच्छ में भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कच्छ में समृद्धि आई है, संकट में घिरा हुआ कच्छ सदियों के बाद आज आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गया। ये हमारा बांसवाड़ा जिला, ये हमारा पाटन जिला, लोग इन जिलों को कब याद करते थे? जब पाकिस्तान हमले की तैयारी करता था तब याद करते थे, यार बनासकांठा और पाटन के सीमा पर भी शायद पाकिस्तान कुछ कर देगा तो चलो जरा हलचल करें। उसके सिवाय बनासकांठा और पाटन की तरफ कोई देखता तक नहीं था। ये दिन आपने देखे, आपको मालूम है यहां पर साल में 6 महीना 7 महीना सिवाय गांव कुछ नजर नहीं आता, आग भी जलती रहती थी, खाना पकाना भी मुश्किल होता था। बिना मिट्टी को रोटी मिलना इस नसीब माना जाता था। ये दिन हमने गुजारे थे। क्या उसी मरुभूमि में, उसी रेत के ढेर के ऊपर क्या हम अपने भाग्य की रेखाओं को फिर से एक बार लिख सकते हैं? हमने निर्णय किया कि चाहे ये बालू से भरी भूमि क्यों ना हो, ये राजस्थान क्यों ना हो, यहां इतनी धूप कितनी भी क्यों ना तपती हो, हम तपती हुई धूप से रुपयों की पैदावार करने का रास्ता खोज देंगे और यहां के जन जन के भाग्य को बदल देंगे। और आज सोलर प्रोजेक्ट ने उस भाग्य को बदलने का काम किया। मित्रों, संकट होते हैं, लेकिन रोते बैठना ये मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता है,
संकटों से जूझना चाहिए और जूझ करके रास्ते निकालने चाहिए। हमने रास्ते निकाले। क्या कभी बनास का भ्रम है किसान को अपनी बेटी की शादी करनी होती थी, 50 बीघा जमीन हो, बेटी की शादी करनी हो, घर में पैसे नहीं है तो वो सोचता था या जमीन कहीं गिरवे रख दें या जमीन 2-5 बीघा बेच दें और उससे जो पैसा आएगा उससे बेटी की शादी करवा लेंगे। लेकिन जब वो जमीन बेचने जाता था तो पानी के मोल जमीन बिक जाती थी, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 7000 रुपया, 10000 रुपया, उससे ज्यादा कभी किसान को पैसे नहीं मिलते थे। और बेचारा घर घर भटकता था कि मेरी बेटी की शादी है, ये जमीन आप ले लो, मुझे पैसों की जरूरत है, तो जमीन लेने वाला नहीं मिलता था। लेकिन गुजरात का औद्योगिक विकास हुआ, उसका आज परिणाम यह है कि किसान की जमीन जिसका दाम 10,000, 15,000, 20,000 था, वो आज 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये सारे मेरे किसान भाई साक्षी है इस बात के कि आज आपकी जमीन का दाम बढ़ गया। और आज कोई जमीन लेने आता है ना, पहले किसान जमीन बेचने के लिए दर दर भटकता था, आज जमीन खरीदने वाला किसान के घर पर चक्कर काटता है, कितनी बड़ी गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया हो। किसान अपना हुक्का पीते पीते बोल देता है, आज मेरा मूड नहीं है, सोमवार को आ जाना, और उसे वापस जाना पड़ता। अगर ये विकास न हुआ होता, ये औद्योगिक विकास की दिशा में हमने काम न किया होता तो हमारे जमीन की भी कोई कीमत नहीं थी। आपकी जमीन की ताकत बनी है, उसका कारण विकास की बात को आपके गांव तक लाने का हमने प्रयास किया। मित्रों, विकास के बिना कोई चारा नहीं, हर समस्या का समाधान विकास है। हर संकटों से बाहर निकलने का रास्ता विकास है। लेकिन विकास वो होना चाहिए जो प्रकृति के साथ संघर्ष करने वाला ना हो, प्रकृति के साथ नाता जोड़ने वाला, प्रेम करने वाला हो। एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचर हमारी भावी पीढ़ी को खत्म कर देगा। हमें तो मेकिंग ऑफ द नेचर उतना ही हमारा हक है। और इसलिए गुजरात ने एनवायरमेंट को प्राथमिकता दी है, पर्यावरण को प्राथमिकता दी है। हम विकास चाहते हैं लेकिन प्रकृति का नुकसान करके नहीं। हम विकास चाहते हैं प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए विकास चाहते हैं। और इसलिए हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट, बायोमास का उपयोग, बायोगैस का उपयोग, इन सारी दिशा में हम काम कर रहे हैं। मित्रों, भविष्य में आज आपके घर में पशु है, कभी कभी पशु जब दूध नहीं देता है या हल खींचने की ताकत नहीं रखता है तो किसान को भी लगता है कि ये भी बूढ़ा हो गया, ये भी बोझ बन गया, उसको भी उसका संकट लगता है। हम आपको उस मुसीबतों से बचाना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में ये पशुओं का जो वेस्ट निकलता है, मलमूत्र जो है, उससे गैस, उससे बिजली, और हर किसान जो पशु रखता है उसको दूध में से तो इनकम हो लेकिन उसके मलमूत्र से भी इनकम हो, यहां तक हम पशु को ले जाना चाहते हैं। हम स्थितियों को बदलना चाहते। कभी कभी हम कॉटन की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं और बाद में कपास लेने के बाद खेत में जो उसकी सारा वेस्ट पार्ट खड़ा रहता है उसको जला देते हैं।
भाइयों बहनों जला देने की जरूरत नहीं, अब आपको उससे भी पैसे मिलने की संभावना हुई है। ये गांडो बावड़ वो कल तक आपको संकट लगता था, वो बिजली पैदा करने का साधन बन सकता है। हम हर चीज कूड़े कचरे से भी टेंशन पैदा करने की दिशा में हम काम करना चाहते हैं। हर चीज का उपयोग कैसे हो, मानव जात का उपयोग कैसे हो, इस प्रकार के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ गुजरात विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। 2001 में जब आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी, देखते ही देखते 10 साल बीत गए और 10 साल के एक्सपीरियंस से लगता है कि अब तो मेरा एक्सपीरियंस अनुभव हो गया है। मैं जब नया आया था तब तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था, जानता नहीं था, अब तो चीजों को समझने लगा हूं, तो अब तो मैं आने वाले दिनों में ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा, ज्यादा अच्छा सेवा अच्छी सेवा कर पाऊंगा। और आपकी भलाई के लिए ये 10 साल की मेरी जो पूंजी है वो आने वाले दिनों में हर पल आपके लिए आपके चरणों में समर्पित करके इस गुजरात के भाग्य को और अभी ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा। वरना राजनीति में 10 साल हो गए तो मन करता है आराम करो, मुझे नहीं होता। मेरा मन करता है और मेहनत करूं, और ज्यादा काम करूं, हर गांव को सुखी करूं, हर किसान को सुखी करूं, हर गरीब को सुखी करूं। ये सपने मेरे भीतर से उठ रहे हैं, ये शक्ति मैं इसी में लगाना चाहता हूं, ये अनुभव इसी काम आए, इसी के लिए अपनी जिंदगी खपा रहा हूं। भाइयों बहनों, 2001 में जब मैं नया नया आया था, लोग मुझे क्या कहते थे, मोदी जी एक काम करो, कम से कम रात को खाना खाते समय तो बिजली मिले ऐसा करो, बच्चों को पढ़ाई हो उस समय तो बिजली मिले ऐसा करो, अरे मां बीमार हो पंखा चले इतना तो कुछ करो, ये मांगते थे लोग मेरे से, ज्यादा नहीं मांगते। उस समय 2000 मेगावाट बिजली गुजरात में जरूरत से कम थी, आज पिछले 40 साल में जितनी बिजली पैदा हुई उतनी बिजली ज्यादा इस 10 साल में हमने पैदा कर दी और लोगों को बिजली के संकट से निकाल दिया। पानी का संकट, बनासकांठा कितने संकट से गुजरता था, और मैं बनासकांठा के मेरे किसान भाइयों को नमन करना चाहता हूं। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप टपक सिंचाई को स्वीकार करो, ड्रिप इरिगेशन को स्वीकार करो, आज पूरे बनासकांठा में टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन का एक आंदोलन चल पड़ा है, और उसका कारण यह हुआ है कि आप यहां से आज फल एक्सपोर्ट करने लगे हो, फल एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कभी सोचा था कि बनासकांठा से दाड़न एक्सपोर्ट हो, आज बनासकांठा में फल एक्सपोर्ट होने लगे हैं, क्योंकि आपने बदलाव को स्वीकार किया, राज्य सरकार की योजनाओं का आपने समर्थन किया, और उसका परिणाम है कि बदलाव आया है। भाइयों बहनों, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया का कैपिटल बनेगा, सोलर कैपिटल बनेगा दुनिया का। 5000 मेगावाट सोलर ऊर्जा, सूर्य की हर किरण से को हम शक्ति में परिवर्तित करना चाहते हैं और गुजरात को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता हूं, जिस तेजी से हम चल रहे हैं, जिस मक्कमता के से हम आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की सरकार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी ये कहना कठिन है। मैं भी एक आम सभा में ऐसा कुछ बोल दिया तो बाद में लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे पूछने लगे क्या मोदी जी अभी भी आपको भ्रम है क्या। मैंने कहा किस बात का, क्या दिल्ली में कोई सरकार चलती है क्या, चलने की पता ही नहीं चल रहा। ये पहली बार हिंदुस्तान अनुभव कर रहा है कि दिल्ली में कोई जैसे सरकार ही नहीं है,
सारी सरकार कोर्ट के चक्कर काट रही है, कोई जेल के चक्कर काट रही है। ऐसे सात दिन कितने बुरे दिन आए देश के। भाइयों बहनों, हम भाग्यवान हैं और आप लोगों ने सही निर्णय किए हैं, उसके कारण इन संकटों से बच गए हैं। अगर आपने भी गलती की होती तो वो मुसीबतें हमें भी आ जाती। लेकिन यहां की जनता जागरूक है, यहां की जनता को विकास चाहिए, यहां के लोगों को गांव का विकास चाहिए और विकास के लिए प्रतिबद्ध 6 करोड़ गुजरातियों के कारण गुजरात का भाग्य कभी कोई बदल नहीं पाएगा। ये भाग्य ऊपर ही ऊपर जाने वाला है, विकास ही विकास करने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब लोग पानी बचाएं, बिजली बचाएं, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ